बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द रिसर्च मीडिया चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को ये सिखाने आया हूँ कि किस तरह से आप अपना पहला रिसर्च टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। रिसर्च टॉपिक चूज़ करने के लिए पहले आपको ब्रॉड एरिया जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। इट्स मीन कि आपको रिसर्च डोमेन का पता होना चाहिए कि आप अपनी रिसर्च डोमेन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली लोग जब उन्होंने अपना पहला टॉपिक चूज़ करना होता है, चाहे वो बीएस लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, मास्टर्स लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल लेवल पर कर रहे हैं, तो नॉर्मली वो अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर हम किस टॉपिक पे रिसर्च स्टार्ट करें। तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करनी चाहिए, तो आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। तो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने का वो ये होता है कि आपको रिसर्च डोमेन से स्टार्टअप लेना चाहिए। और रिसर्च डोमेन से मुराद ये होता है कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है, तो जो सब्जेक्ट आपने कोर्सेज में पढ़े हैं, ठीक है, उनमें से जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो आपकी रिसर्च डोमेन कंसिडर होगा। मसलन अगर आप बिज़नेस स्टडी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने फाइनेंस को भी पढ़ा होगा, जिसमें बिज़नेस फाइनेंस है, मैनेजेरियल फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉरपोरेट फाइनेंस है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, बैंकिंग है। इसी तरह अगर आपने मैनेजमेंट ट्रैक को पढ़ा है, तो यू मस्ट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ा होगा, मार्केटिंग को पढ़ा होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ा होगा। इसी तरह अगर आप अकाउंटिंग के ट्रैक पे हैं, तो आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ऑडिटिंग पढ़ी होगी, टैक्सेशन पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपकी रिसर्च डोमेन है, उससे मुराद आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो आपने स्टूडेंट लाइफ में या स्टडी लाइफ में जिसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रिप थी। तो स्टार्टअप हमेशा उसी से लें, उसी सब्जेक्ट से। तो करना ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है, लाइक फाइनेंस ट्रैक में, मैनेजमेंट ट्रैक में या अकाउंटिंग ट्रैक में, उसके टेबल ऑफ कंटेंट या तो आप बुक से चेक कर लें, जो आपने बुक्स पढ़ी थी, अगर आपके पास पढ़ी हुई हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वरना आप गूगल पर जाकर, ठीक है, जो रेकमेंडेड पब्लिशर हैं उनकी साइट्स को चेक कर सकते हैं अपनी उस स्पेसिफिक बुक के रेफरेंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉरपोरेट फाइनेंस जो है, लेट्स सपोज कि मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत था, इस बुक के अंदर, और मैंने इस बुक को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, इस बुक को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया, मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे इस सब्जेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं, अगर मैंने रिसर्च करनी है, स्टार्टअप लेना है, तो मुझे ब्रॉड एरिया अपना उसी सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा जो मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो इसके लिए आप गूगल पर जाएं। गूगल पर जाने के बाद सिंपली आपने वहाँ पर जाकर जो है वो फाइंड आउट करने हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसमें जो रेकमेंडेड साइट हैं, पियर्सन की है, मैग्रा हिल की है, और बहुत बहुत अच्छी कई और भी रेकमेंडेड साइट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये चेक कर लेना है कि हमारे पास ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं रेकमेंडेड साइट्स के। यहाँ पे क्योंकि नेट का इशू चल रहा है, तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, सिंपली वी नीड टू गो टू द गूगल, वहाँ पर जाकर टेबल ऑफ कंटेंट लिखें, ठीक है, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और उस सिलसिले में मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट को लेके। लाइक यहाँ पे पियर्सन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैग्रा हिल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप किसी एक साइट को क्लिक कर लें जो रेकमेंडेड साइट्स हैं। उनको क्लिक करने के बाद जब आप उस साइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आपको टेबल ऑफ कंटेंट उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट डिटेल में नज़र आ जाएंगे। लाइक जब मैं कॉरपोरेट फाइनेंस के हवाले से पियर्सन की साइट को ओपन करता हूँ,
तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है, जिनमें जो है अगर आप गौर करें तो आपके सामने मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट एंड प्राइसिंग ऑफ रिस्क है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो चॉइस एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, एस्टीमेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन्वेस्टर बिहेवियर एंड कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर इन द मार्केट है, डेट एंड टैक्सेस है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, डिविडेंड पॉलिसी है या पे आउट पॉलिसी भी जिसको कहा जाता है। तो स्टार्टअप किसी एक टॉपिक को पिक करके लिया जा सकता है। सिंपली आप इनमें से कोई एक टॉपिक पिक करें और उसको पिक करने के बाद गूगल स्कॉलर पे उसे सर्च करें। जब आप गूगल स्कॉलर पर सर्चिंग करते हैं तो ये चीज़ याद रखनी है कि गूगल स्कॉलर पर जाकर आपने उस स्पेसिफिक टॉपिक का नाम लिखना, ठीक है, और लेटेस्ट ईयर गूगल स्कॉलर से जो है वो सिलेक्ट करना है, जो कि हमारे केस में इस वक्त 2021 है, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त 2021 में बनाई जा रही है, तो हमारा लेटेस्ट ईयर 2021 है। तो इसको गूगल स्कॉलर में से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कोई ऐसा पेपर लेटेस्ट पेपर में से एज ए बेस पेपर चूज़ करें जो आपको ज़्यादा अपील कर रहा हो, जो आपके एरिया से भी रेलेवेंट हो और जो आपको लगता हो कि इस पे स्टार्टिंग रिसर्च लेनी चाहिए। इसमें आपके पास मल्टीपल पब्लिशिंग ग्रुप्स हैं, जिसमें एमरल्ड है जो कि बहुत इजी होता है। आप इसके जो पेपर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, मींस इनका एक्सट्रैक्ट बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है। नॉर्मली 95% चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट में से मिल जाएंगी अगर एमरल्ड का पेपर हो। इसी तरह फिर टेलर एंड फ्रांसिस बहुत अच्छा ग्रुप है, ठीक है, इसी तरह साइंस डायरेक्ट या एल्सेवियर बहुत अच्छा ग्रुप है, फिर इसी तरह स्प्रिंगर लिंक जो है वो बहुत अच्छा ग्रुप है, विली ऑनलाइन लाइब्रेरी ये बहुत अच्छा ग्रुप है, इसी तरह जर्नल सेज पब्लिकेशन ये भी कैटेगरी वाइज अच्छा ग्रुप है, फिर इंडस साइंस ये बहुत अच्छा ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अलावा जो पेपर होते हैं या किसी और पब्लिशिंग ग्रुप के होते हैं उन्हें आप एज ए बेस पेपर चूज़ मत करें। रीज़न इज़ दैट कि बेस पेपर किसी स्ट्रॉन्ग पब्लिशिंग ग्रुप से होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस पेपर आप दूसरे जर्नल्स के ले सकते हैं, लेकिन बेस पेपर कोशिश करें कि इनमें से किसी एक पब्लिशिंग ग्रुप का हो, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कॉरपोरेट फाइनेंस के टेबल ऑफ कंटेंट में से डिविडेंड पॉलिसी को चूज़ किया। अब डिविडेंड पॉलिसी को मैंने जाकर गूगल स्कॉलर के सर्च इंजन में लिखना है, एंटर दबाना है, मेरे सामने नंबर ऑफ पेपर आ जाएंगे, लेकिन साथ में मैंने ईयर्स जो है वो सिलेक्ट कर देना है सिंस 2020। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो लेटेस्ट पेपर हैं वो मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। इनमें से कोई एक पेपर जो आपको अपील कर रहा हो, जो आपके एरिया से रेलेवेंट हो, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इनिशियल फेज है अपना जो बेस पेपर की सिलेक्शन के हवाले से, कि अगर आप बेस पेपर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना ब्रॉड एरिया डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप अपना जो है वो डोमेन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डोमेन से मुराद आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद बेस पेपर के लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट की मदद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से डोमेन सेलेक्ट करके आप बेस पेपर को चूज़ कर सकते हैं, और पहली बार जिन लोगों ने रिसर्च करनी होती है या रिसर्च का स्टार्टअप लेना होता है, ये तरीका उन्हें किस तरह से हेल्प आउट करेगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मज़ीद नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया जी।